है महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना